मैं कमलाकर जी आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रहे हैं, बैंकों के एनपीएस की अगर बात करें उसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, विदेशों में जो काला धन जमा करा चुके हैं HSBC बैंक और उनकी जो लिस्ट हैं वो सार्वजनिक किए जाएं, अब ये तमाम मांग आप उठा रहे हैं, क्या सरकार इन सभी तथ्यों पर आएगी या फिलहाल सिर्फ ये जो बम फोड़ा गया है उसी की त्रासदी आम आदमी को झेलनी पड़ेगी? देखिए अभिलाषा जी, बड़ी बड़ी अभी गोपनीयता की बातें कर रहे थे माननीय विजय सोनकर शास्त्री साहब जी, और दूसरी पार्टी के नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं, इनको नहीं उनको नहीं। प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के आधे घंटे पहले बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट के द्वारा 3 करोड़ रुपए 500 और 1000 की नोटों के डिनोमिनेशन में जमा कराए जाते हैं जी। पंजाब के जो इनके नेता हैं कामबोज साहब, वो 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट करते हैं 2000 के नोटों की गड्डियों के साथ। तो 27 अक्टूबर को दैनिक जागरण में ये निकलता है कि 2000 के नोट आ रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ निकलती है और 1000 और 500 के नोट बंद किए जाएंगे। जिस प्रकार से ये प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है उसमें इसमें अर्जित पटेल जी जो RBI के गवर्नर हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लीगल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं जी। तो इस बात से हम लोग कैसे इनकार कर दें, क्योंकि लाइन में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति, मुझे करोड़पति अरबपति कोई लाइन में लगा नहीं दिखा। पूरे हिंदुस्तान भर में कोई किसी अरबपति को हार्ट अटैक नहीं आया कि उसका काला धन जो है वो सेबोटाज हो गया। इनफैक्ट आज भी मैं पेपर में पढ़ रहा था, कल फिर 6 लोगों की मौत लाइन में लगने से हुई है और अब तक ये संख्या लगभग 50 के रेंज में जा चुकी है जी। अभिलाषा जी, एक शेर याद आता है कि मुल्क ने मांगी थी फकत उजाले की एक किरण, निजाम ने कहा आशियानों में आग लगा दी जाए। आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और सारे आंकड़े आपके पास होते हुए खुद आप ये क्लेम करते हो कि RBI के आंकड़े और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आंकड़े ये कहते हैं कि 500 और 1000 के नोटों का जो शेयर जो करेंसी में था, जो चल रही थी, वो 86.4% था जी। आपने 86.4% करेंसी को अचानक एक दिन डीमोनेटाइज कर दिया और 14% करेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे हो, और उसके लिए आपने एक्सरसाइज क्या की हुई थी जी। जहां पर ATMs अगर एक बार फिलअप होते थे तो 3 बार फिलअप होने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां पर आप चले, आप भी जहां रह रही होंगी अभिलाषा जी, अगर क्षेत्र में आपके 40 ATM होंगे तो 4 से ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे, 36 बेकार पड़े हुए हैं जी। आपने कोई पूरे देश को 2-3 महीने के लिए रैनसम पे कर दिया, हैवॉक क्रिएट हो गया। और देखिए इसमें आपके पास जो कैश फिलिंग वैन्स हैं वो 900 पूरे हिंदुस्तान भर में वो 900 से कम है, और उनकी फुल कैपेसिटी, ये खुद RBI कह रहा है कि अगर वो फुल कैपेसिटी पे कैश फिलअप करेंगे तो 15,000 करोड़ रुपए एक बार से ज्यादा फिलअप नहीं कर सकते जी। और जो इनको गैप फिलअप करना है वो 16 लाख करोड़ से ऊपर का गैप है। तो मतलब 100 दिन तक तो वो अगर कैश फिलअप रोज करते रहे फुल कैपेसिटी में तो भी वो उस चीज को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आप छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी, आप कहना चाह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक ऐसी भीड़ रहेगी? अरे 30 दिसंबर नहीं, ये कब तक रहेगा कुछ नहीं पता अभिलाषा जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम लोग तो गांव गिराव से जुड़े हुए हैं, खेतिहर किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, शास्त्री जी को भी शायद ये बात पता होगी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 13 दिन कार्तिक के और 3 दिन अषाढ़ के ये बुआई का समय होता है जी। जो अभी रबी की फसल की बुआई का समय चल रहा है और 7 से 8 दिन निकल चुके, किसान के पास कैश नहीं है खरीदने को, वो ATM से ऑपरेट नहीं करता, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करता, उसको लेबर के बाद आनंद शर्मा जी ने कहा कहीं भी डीजल नहीं मिल रहा है, मजदूर किसान